गाय भारत के समाज और राजनीति के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण पशु है, क्योंकि उससे एक तरफ कृषि और पशुपालन का अर्थशास्त्र जुड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ लोगों की आस्था। इसलिए नेतागण गाय के पैर पखारने में पीछे नहीं हटते हैं, गाय के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, गौशालाओं में वीडियो बनवाते हैं। इन सबके बीच एक तबका है गौरक्षकों का, जो गाय की रक्षा के नाम पर किसी की जान तक ले लेते हैं। लेकिन बीते कुछ हफ्तों से देश भर की गायों पर गाज गिरी हुई है, लेकिन ना नेता इतने तत्पर नजर आ रहे हैं और ना ही गौरक्षक इतने आक्रामक। हम बात कर रहे हैं लंपी स्किन डिजीज की, जिससे देश भर की हजारों गायों की जान जा चुकी है, दुग्ध उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका है, साथ ही किसानों की कमर टूटने का खतरा। लेकिन इन सबके बीच इसी खतरनाक बीमारी के बारे में हम आपको बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। देश के तमाम राज्यों से आई इन गायों की तस्वीरों में से झलकती पीड़ा आप पहचान भी नहीं सकते हैं। और ये रोशनी से भरे हुए शहर जो पैकेट बंद दूध पीते हैं, वो इस लंपी वायरस से बेखबर हैं। हिंदुस्तान की आत्मा गांव में बसती है और वही गांव आज इस त्रासदी की मार झेल रहा है। और ये गाज उन्हीं पर गिरी है जिनसे आपका और मेरा नाता बचपन से रहा है। आपको याद होगा कि सबसे पहली बार आपने जिसके ऊपर निबंध लिखा था वो गाय ही थी। बचपन में आपको हर कोई कहता होगा कि गाय का दूध पियो, खूब शक्ति मिलती है, और बड़े हो जाने पर हम और आप उसी को गाय माता कहकर पुकारते हैं। चलिए याद करिए कि आखिरी बार आपने गाय को क्या दिया होगा, या फिर उसने आपसे क्या कुछ मांगा होगा। लेकिन हम उनसे क्या लेते हैं? वो सब कुछ जो वो हमारे लिए कर सकती है, यहां तक कि आपकी और हमारे दिन की शुरुआत ही उनके द्वारा मिले दुग्ध से होती है। लेकिन आज सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि गाय कोई वोट थोड़ी देती है। देश में लगभग 16 लाख से ज्यादा गाय इस बीमारी से ग्रसित हैं और लगभग 70,000 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। लेकिन सत्ता की कुर्सी पर विराजमान महाराज को क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो तो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनावों में व्यस्त हैं। साथ ही उनके ऊपर भी एक महाराज हैं जो पूरे आर्यवर्त के भगवान बने बैठे हुए हैं। उन्हें भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो विदेश से चीते लाने में व्यस्त हैं। लेकिन कहानी का एक हिस्सा ये भी है कि इसका हर्जाना हम केवल राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर नहीं थोप सकते हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे हम इंसानों का भी दोष है। जी हाँ, मैं बात उनकी कर रहा हूँ जो कि पशुपालक होते हैं, लेकिन गाय का दूध निकालने के बाद उन्हें आवारा पशु बनाकर छोड़ देते हैं। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अगर आपके आसपास के क्षेत्र में ऐसी कोई भी गाय हो जो इस तरह के बीमारी से ग्रसित हो, तो उन्हें पशु चिकित्सालय में दिखवाएं, उचित इलाज करवाएं। और अंत में यही कहना चाहूंगा, लेकिन अब क्या बताऊं, ये हाल दूसरा है, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। कोरोना काल में हम सभी को याद है, उस समय सरकार, आप और हम सभी के सभी कितने तत्पर थे, ये तो हम सभी ने देखा है। लेकिन आज जब पशुओं की मृत्यु हो रही है तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम इंसान इतने मतलबी बनते चले गए तो एक समय फिर वही महामारी लौट कर आएगी। आज धन्यवाद नहीं कहूंगा, सिर्फ और सिर्फ नमस्कार।